पोछा गया है, सामने मारपीट हुई है। ये लड़की को पोछा है मेरी माँ ने, उनके सामने में अधिवक्ता महिला के ब्लेजर को खींचा गया, सभी इनको मारा गया, सभी तामरे दबोचा गया, मेरी माँ मेरे पापा मुझे दबोचे हैं, मुझे झापड़ झापड़ मारे हैं, मेरे गला के निशान है, गला दबाने की कोशिश किया है उन्होंने मुझे। कौन है एडिशन? एक प्रेमी जोड़ा है, लड़की भिलाई की रहने वाली है, लड़का रायपुर का रहने वाला है, दोनों आपस में प्रेम करते थे, उसके बाद इन्होंने 6 नवंबर को शादी कर ली। साल से जिनका नाम आशुतोष देशपांडे है, उनसे शादी करनी है। मेरे घर वालों ने पहले दिन मुझे बोला कि हम करवाएंगे, उसके बाद इनकार गए, मुकर गए, हर चीज से मुकर गए। मैंने भी बोला कि मैं अगर नहीं करवाऊंगी मुझे मेरी शादी इनसे, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कर, हम लोग का बदनामी होगा, लेकिन उनको बदनामी का डर था, मेरे खोने का डर नहीं था। इस वक्त हम लोग सेक्टर 6 कोतवाली थाने के ठीक सामने हैं, और सामने खड़े होने का कारण ये है कि एक प्रेमी जोड़ा है, लड़की भिलाई की रहने वाली है, लड़का रायपुर का रहने वाला है, दोनों आपस में प्रेम करते थे, उसके बाद इन्होंने 6 नवंबर को शादी कर ली। शादी के बाद लड़की के घर वालों को ये बात नागवार गुजरी, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें और जो कुछ हुआ हमारे सामने जो घटना हुई उसकी तस्वीरें भी सचिन भाऊ ने अपने कैमरे में कैद की हैं, जिसको दिखाने के लिए इस वक्त मैं हाजिर हूँ। आपको बता दूँ कि लड़की जो मरुदा भिलाई की रहने वाली है, नाम है शैवी ताम्रकार, और जिस लड़के से वो प्रेम करती है, जिससे उन्होंने 6 नवंबर को शादी की, आशुतोष देशपांडे। लड़की का ये आरोप है कि लड़की के घर वाले इस शादी को मंजूर नहीं कर रहे थे। सबसे पहले लड़की ने अपने घर वालों को ये बात बताई भी थी, इसके बाद भी मंजूरी नहीं दे रहे थे, जिसके बाद लड़की रायपुर में जाकर आशुतोष देशपांडे के साथ जाकर के शैवी ताम्रकार शादी कर लेती है, आर्य समाज जो मंदिर है वहाँ पर, और मंदिर में शादी करने के बाद रायपुर में ही रह रही थी। तभी लड़की ने जिस तरह बताया कि उसे फ़ोन आता है कि आपके माता पिता आपसे मिलना चाहते हैं थाने में, उसके बाद ये लोग वापस भिलाई आए, थाने पहुँचे। थाने पहुँचने के बाद इनसे, जैसा कि लड़की का आरोप है कि लड़की के घर वालों ने लड़की के साथ ज़्यादती की है, और साथ ही साथ जो उसके ससुर हैं उस पर भी हमला किया है, और इस तरह की कुछ कुछ बातें आई हैं सामने। थाने में लड़की मौजूद थी, और लड़की ने क्या कुछ कहा है शैवी ताम्रकार के मुँह जवानी, वो सारी चीज़ें सुनिए। कितना कुछ होने के बाद में आप आवेदन देके जाइए, आपका जांच होगा, उसके बाद FIR करेंगे। वो खुद छुड़ाए हैं, उनके सामने मारा पीटी हुई है, वो खुद छुड़ाए हैं। उनके सामने में अधिवक्ता महिला के ब्लेजर को खींचा गया, सभी इनको मारा गया, सभी ताम्रे दबोचा गया, मेरी माँ मेरे पापा मुझे दबोचे हैं, मुझे झापड़ झापड़ मारे हैं, मेरे गला के निशान है, गला दबाने की कोशिश किया है उन्होंने। SDM में कथन हुआ है 3 घंटे पहले, वहाँ से मुझे दुर्ग से यहाँ लेके आई है कि आपको यहाँ बयान लेना है। शनिवार को मुझे 6 बजे से लेके रात के 12:30-1 बजे तक हमतराई रायपुर पुलिस स्टेशन में मुझे रखा गया था, ये बोल के कि आपके पिताजी ने एप्लीकेशन फाइल किया है, आपको अभी वापस SDM पे कथन देने जाना पड़ेगा। मध्य रात्रि में कौन सा SDM बैठते हैं बताइए आप मुझे। मैं वकील साहब को बुलाई, मैं अपनी वकील साहब जो मेरी है उनको मैंने बुलाया। मैंने 6 नवम्बर को अपने मर्जी से शादी की है, इसके पहले मैंने अपने माँ बाप को बताया था कि मुझे इनसे प्रेम है, मुझे इनसे शादी कराई है, उन्होंने मुझे धमकी दी हम नहीं कराएंगे। मैंने ये भी बोला कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, उनको बदनामी का डर था, मेरे खोने का डर नहीं था, उन्होंने बोला बदनामी नहीं चाहिए हमको, मेरा फोन वगैरह सब ले लिया था। मैं अगर 15 मिनट से ज्यादा वॉशरूम में थी, उसमें भी मुझे डाउट करते थे कि तू 15 मिनट से ज्यादा बाथरूम में कैसे है और क्यों है। न्यूज़पेपर में देंगे, और मुझे बोला गया शादी के बाद, आज 11-12 दिन है मेरे शादी के बाद, हर दूसरे दिन मैं पुलिस स्टेशन में जाके बैठती थी सर, मेरे घर वाले आके मुझे प्रताड़ित करते थे, मेरे ससुर जी को मेरे पति को प्रताड़ित किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम शैवी ताम्रकार है, मैं भिलाई मरोदा सेक्टर की निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम स्वतंत्र कुमार है, मेरी माँ का नाम प्रभात ताम्रकार है। मैं अपने मर्जी से 6 तारीख को रायपुर जाके आर्य समाज में शादी की थी, इसके पहले मैंने अपने घर में ये बात रखी थी कि मुझे इस इंसान से जिनका नाम आशुतोष देशपांडे है उनसे शादी करनी है। मेरे घर वालों ने पहले दिन मुझे बोला कि हम करवाएंगे, उसके बाद इनकार गए, मुकर गए, हर चीज से मुकर गए। मैंने भी बोला कि मैं अगर नहीं करवाऊंगी मुझे मेरी शादी इनसे, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कर, हम लोग का बदनामी होगा, लेकिन उनको बदनामी का डर था, मेरे खोने का डर नहीं था। मैंने अपनी मर्जी से घर से बाहर जाके इनसे रायपुर में आर्य समाज में शादी की है। शादी करने के उपरांत मैं तुरंत निवई थाना में अपना बयान देने आई कि मैं इनसे शादी की हूँ। तब मुझे वहाँ जाके मालूम चला कि वहाँ मेरी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।
वहाँ सबका कथन हुआ, जितने लोग शामिल थे शादी में उनका बयान लिया गया, फर्जी से वहाँ भी कथन दिया कि हाँ मुझे अपने परिवार मतलब अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ जाना है। उसके बाद अगले दिन मेरे माँ बाप आए, मुझे मेरा तर्पण कराने का मुझे धमकी दिया, फिर हाथापाई हुआ। अगले दो चार दिन बाद मेरे मामा जिनका नाम प्रबोध ताम्रकार है वो आए, उन्होंने मुझे प्यार से बात किया। अगले दिन मेरे घर में जब मैं नहीं थी, मेरे अकेले दादा ससुर थे जो 80 साल से ऊपर है, उनके साथ आके एक घंटे बातचीत की। मुझे बोला गया मैं दो लोग को लेके आया हूँ, लेकिन तीन चार लोग को लेके आए। मेरे आने के बाद मुझसे बहस करके वो सारे मोहल्ले को इकट्ठा किए, वहाँ पे बदनामी किए हमारा। हम अगले दिन जाके स्टेशन में इस चीज का बताया है कि हमने कंप्लेन दिया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। शनिवार की शाम को मुझे 6 बजे बुलाया गया स्टेशन खमतराई में कि आपके माँ बाप आपसे मिलने आए हैं, दो लोग हैं। वहाँ जाने के उपरांत मना चला कि वहाँ 15-20 लोग थे। वहाँ पे मुझे ग्रुप की पुलिस टीम आई थी, उन्होंने ये बोला गया कि मेरा पति और मैं चरित्रहीन है, इसलिए वो नहीं चाहते ये शादी हो। जो मेरा गवाह थी उनके ऊपर भी उन्होंने चरित्रहीन होने का नाम लगाया, उनका और मेरे पति का नाजायज संबंध है ये इल्जाम लगाया। मैंने इस सब चीजों को बताया है, बयान दिया है। आज मैं SDM कथन देने दुर्ग कोर्ट आई थी, जिसके उपरांत मेरा SDM कथन हुआ है। मुझे यहाँ की जो कांस्टेबल है खुशबू वर्मा, उन्होंने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुमको अपनी गारंटी में यहाँ लेके आई हूँ। हम उनके गारंटी में यहाँ आए थे, हमने कथन दिया। कथन देने के बाद हमारे साथ महिला थाना में घुस के जबरदस्ती मेरे को हाथापाई किया है, मेरा ये हाल किया है, मेरा ही नहीं मेरा गला दबाया, मुझे दबोचा, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे ससुर को मारा, मेरे ससुर को खून खराबा हुआ है, उनके सर पे चोट आई है। मेरे पति के साथ, मेरे साथ जो दो एडवोकेट आए थे उनके साथ भी गलत हरकत की। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी क्या चाह रहे हैं? अभी ये था, ये सब हुआ है। उसके बाद मुझे आशंका है कि प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, घुस के मेरा दबोचा है, मुझे मारा है, सब कुछ किया है। पूरे मामले को लेकर के लड़की का एक आरोप भी है कि पुलिस कहीं ना कहीं जो है साथ नहीं दे रही है। अब ऐसे में पुलिस एक तरफ लगी हुई है, एक तरफ आवेदन की स्वीकृति हो रही है। लड़की को अभी जब हम ये खबर बना रहे हैं तो लड़की को मुलायजे के लिए भेजा गया है, आवेदन स्वीकार किया जा रहा है, और उसके बाद आगे की जो भी जाँच होगी वो सिलसिलेवार ब्यौरा हम खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस मसले को लेकर के, इस विषय पर और क्या कुछ अपडेट आता है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।